नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आखिर हम किस ओर लेकर जा रहे हैं समाज को, जहां पर हमारा आयन, हमारा संविधान हमें इजाजत देता है, और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, कहीं ना कहीं उनमें वीकर सेक्शन के लोगों को अपलिफ्ट करने का और बराबरी के दर्जे की बात की थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, महिलाओं के अधिकार की भी बात करी। पर सवाल यह है कि आज हम वाकई उन बातों पर चल रहे हैं? आए दिन इस तरह की चीजें सामने आ रही, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है। जिस तरह से कल की अगर बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी चंद्रशेखर ने सुसाइड कर लिया, और क्यों किया वो भी सारी बातें बताना चाहेंगे। कि एक बोर्ड पर जो नोट लिखा गया था, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि बोर्ड पर जो लिखा था सच है क्योंकि कहानी झूठी है, यानी सब सच है कहानी झूठी है। ये वर्ड, ये शब्द कहीं ना कहीं बहुत गहरा मतलब निकालते हैं। आखिर क्यों लिखा था चंद्रशेखर जी ने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के? और बड़ी विडंबना की बात है, एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर होने के बाद इस तरह का कदम उठाना। खुद सोचिए क्या होगा तथ्य, और किस तरह की चीजें हो रहेंगी, कि किस तरह से उन्हें मानसिक तनाव होगा, या किस तरह का प्रताड़ना का भी शिकार होगी। आज इस समय ओबीसी एसटी ऐसी या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कंबाइन आज एक प्रेस वार्ता की है। आइए जानते हैं क्या कहना है इनका इन सारे विषयों पर। जी भाई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज और प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, जितनी भी प्रोग्रेसिव, मेरा नाम एडवोकेट रजत है, मैं जेएनके हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितनी भी तमाम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज, जितनी भी एसोसिएशंस हैं और प्रोग्रेसिव एसोसिएशंस हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई है, जो कि कल के दिन में जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जिनकी जो है, मैं कहूँगा उसे मैं सुसाइड नहीं कहूँगा, उसे मैं एक हत्या का नाम दूँगा, क्योंकि एक हत्या हुई है। बड़ी मुश्किल से जो है एससी समाज के लोग जो हैं, इतनी बड़े ओहदे पे पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं, और उस ओहदे पे पहुँचने के बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार होना बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है, और बड़ी विडम्बना की बात है कि पहली तारीख को एक कंप्लेंट जाती है, 24 बच्चों की कंप्लेंट जाती है, और उस कंप्लेंट पे बस 3 दिन के अंदर जो है उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको सुनने का मौका भी नहीं दिया जाता है। क्या उनको राइट टू, उनको उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि उनको सुना ना जाए? क्योंकि ये सब जो थी एक सोची समझी चाल थी, उनको जानबूझ के जो है सस्पेंड करना था, क्योंकि वो उसी मंथ के 30 तारीख को जो है वो HOD बनने वाले थे, और उनको जो दूसरे पर्सन थे जो चाहते नहीं थे जो है कि वो HOD बने, इस वजह से जो है उनको जो है सस्पेंड किया गया। उनके जो सुसाइड के टाइम जब उन्हें तलाशी ली गई, उनके पॉकेट से एक नोट भी मिला, नोट ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं बात सामने आ रही। नहीं, हाँ, उनकी तरफ से बोर्ड पे भी जो एक चीज लिखी गई थी कि सब सच है, बस यही झूठ है, कुछ ऐसा है, सब सच है कहानी झूठ है। तो बड़ी इसके पीछे का बड़ा गहरा मतलब निकलता है। इसका मतलब यही है कि उनको जो है बहुत दिनों से जो है हरासमेंट की जा रही थी, उनको जो है चाहती नहीं थी। उनकी पत्नी को भी इस चीज के बारे में, हाँ, उनकी पत्नी जी भी कहती है कि पिछले 5-6 दिन से, पिछले 1 हफ्ते से जो है वो बहुत परेशान चल रहे थे, तो उसी की वजह से देख लीजिए उनको जो है जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहती नहीं थी कि वो जो HOD पोस्ट तक पहुंचे, वो चाहते नहीं थे कि दलित समाज का बंदा जो है इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुंचे। इस वजह से जो है उन्होंने, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया गया, और 3 दिन के अंदर बिना सुने उनको जो सस्पेंड किया गया, कोई छानबीन नहीं की गई। तो मैं यही मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसकी CBI इंक्वायरी हो, सो दैट जो है सच सामने आए, जो भी सच है वो सामने आए। सर, क्या कहना चाहेंगे, अब जो शिक्षा के केंद्र है वहाँ भी इस तरह की चीज़ें अगर सामने आने लगेगी, तो हम क्या विद्यार्थियों को शिक्षा देंगे? नहीं, मतलब जिस तरह का माहौल है हमारे देश में, ये मैं पहले भी कहता आया हूँ आपके माध्यम से, मैंने पहले भी कहा है कि ये देश जो है कास्टिस्ट देश है, और कास्टिस्ट देश में हम देख सकते हैं कि जो वंचित तबके हैं उनको कभी भी, जब भी वो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश भी करते हैं, तो हमेशा उनको रोकने की कोशिश की जाती है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं कुछ समय पहले उनसे मिला था, मतलब दो हफ्तों के बीच में मैं इस दौरान में मिला था उनसे, हाँ, और हाँ, वो काफ़ी काफ़ी परेशान थे, और
वो ये कह रहे थे कि एक नेक्सस जो है वहाँ पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये सच है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी से पास आउट्स हैं, उनसे मेरी कल भी बात हो रही थी, वो हो रहे थे कि ये जो दो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें एक पूरा नेक्सस जो बना हुआ है और इसके बीच में एक नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। और ये भी डॉक्टर चंद्रशेखर भी मुझे ये कह रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको, स्टूडेंट जो वहाँ के जो प्रकाश जो लॉबी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ जो है, उन्होंने क्या किया हुआ है, बच्चों को एक ये बना दिया है कि ये नंबर्स नहीं देते हैं, दूसरा ये बाहर से आए हुए हैं, मेरिट से हैं, तीसरे ये चमार कम्युनिटी से हैं, मतलब दलित कम्युनिटी से हैं, तो ये जो यहाँ आकर ये सब कर रहे हैं, आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, आपको नंबर्स नहीं दिए जाते, तो वो काफ़ी परेशान थे इस बात को लेकर। लेकिन वो ये भी मतलब कि उनको ये नहीं अंदाजा था कि उनके ऊपर यही कार्रवाई भी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब बंदा जो पहले से ही भी परेशान हो, जो मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है, उसके ऊपर जब आप सेक्सुअल हरासमेंट्स की जब आप केस लगाते हैं और इमीडिएटली 20 से 25 बच्चे जो हैं इमीडिएटली, ठीक है मान सकते हैं एक से दो बच्चा हो सकता है, ठीक है हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट्स के हम भी सपोर्ट में नहीं है, ठीक है उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 20 से 25 बच्चे, एक संशय, एक डाउट जो है, बेनिफिट ऑफ डाउट चला जाता है कि यहाँ कि वहां पर 20 से 25 बच्चे इमीडिएटली आते हैं। और कब आते हैं, जब उनकी जो वहां पर जो एचओडी बनने वाले थे, वो 30 तारीख को जो वहां की पुरानी एचओडी थी वो रिटायर होनी थी, और उनके बाद वो वहां पे सीनियर होने के नाते ऑटोमेटिकली उनको वो एचओडी बनने थे, लेकिन वहां पर इमीडिएटली वहां पर बच्चे आते हैं, वहां पर सीधी एक्सरसाइज होती है, 3 दिन के बीच में उनको सस्पेंड किया जाता है और उनको अटैच कर दिया जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो कहने की बात है कि ऐसे 70-80%, मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूँ, 70-80% तक ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जो अकेडमिक्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, इन सभी पे सेक्सुअल हरासमेंट्स के केसेस चल रहे हैं। और अभी भी 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए हैं यहाँ पर केसेस, ये इनकी इंक्वायरी की रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। ये ऐसी कौन सी इन्होंने जादू की छड़ी अपने पास रख ली कि वहाँ पे तीन सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी, जब भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है तथ्य बड़े जरूरी होते हैं ताकि प्रूफ हो और प्रूफ के आधार पर वो सेक्शन लागू हो। अभी हाल ही में एक केस है, वो भी हम जल्दी आप तक लाएंगे, यानी जहां पर किसी की अप्रोच ना हो, इस तरह के चार्जेस लगने के बाद भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया जाता, पर जहां पर ऐसी चीजें भी होती है जहां पर पीछे से बैक हो और अगर किसी को फंसाना हो बिना तथ्य के, बिना जानकारियों के, उन पर ये आरोप लग जाते हैं, यानी पुलिस भी कर देती है हाँ जी ये साबित कर देती है, तो ये चीजें बड़ी ही विडंबना एक क्रिएट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डोगरी में कहावत है कि आगे ना कि नींदे का पानी बड़ी जल्दी आई हिंदा, वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और वहां पर जब एक एचओडी की पोस्ट की तरफ वो बढ़ रहे थे तो वहां पर किस तरह से उनको रोकना है, कैसे किस तरह से रोका जाए, वो सबसे आसान टूल होता है उनके ऊपर किसी भी तरह का हरासमेंट के केस किया जाए। ठीक है हम एग्री करते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए थी, अगर कोई हरासमेंट का केस था तो हम समर्थन करते हैं उसको कि हाँ वो गलत चीज है, लेकिन उसके बीच में कोई सुसाइड कर दे, सुसाइड वो जिस चंद्रशेखर को मैं जानता हूँ, जिस चंद्रशेखर से मैं वाकिफ हूँ, वो सुसाइड नहीं कर सकते। उन्होंने कोविड के दौरान पुलिस वालों को जो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप्स की हुई है, लगातार स्ट्रेस 2 साल तक कोविड रहा है और 2 सालों में उन्होंने वर्कशॉप्स की वहां पे उन्होंने, और लगातार मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे भी उनके पेरेंट्स को वर्कशॉप्स करते थे कैसे बच्चों को डील करना है मोबाइल। क्या लगता है आपको इनकी मौत के कारण, क्योंकि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद जो कि दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं और दूसरों को अच्छी राय देते हैं, ये चीज बड़ी ही एक प्रश्न चिन्ह जी। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जब भी मैं कभी मेरे दोस्त को ही जाता था उनके डिपार्टमेंट में, वो पहले ही पकड़ लेते थे हाँ जी तुम्हारे, मतलब कि वो पहले ही बंदे की पर्सनैलिटी देख कर ही किस तरह से उन्होंने क्या पहना हुआ है, जैसे कोई धागा वगैरह डाला उस तरह से वो समझ जाते थे कि बंदा किस तरह से है, उनकी इतनी आपदा आन पड़ी उन्हें अपनी जान। देखिए ये सीधी सीधी सी बात है कि वो प्रताड़ना से गुजर रहे थे और जिस तरह से उनके ऊपर हरासमेंट की जा रही थी यूनिवर्सिटी स्टाफ द्वारा, तथा कथित सो कॉल्ड उच्च जातीय ये जो द्रोणाचार्य हमारे यूनिवर्सिटीज के बीच में बैठे हुए हैं, इन्होंने जिस तरह से वो माहौल क्रिएट किया, और ये कैसे होना था, अगर वो सुसाइड नहीं करते ना, समझ लो सुसाइड नहीं करते, 30-40 दिन तक उनको अटैच करना था, इसी बीच में 30 तारीख को वो जो एचओडी थी पुरानी सस्पेंड होनी थी, इमीडिएटली उन्हें आनंद फानंद में किसी और को एचओडी बनाना था और उनको अलग रखना था, जब एचओडी बन जाना था उनको वापस ले आना था उन्होंने, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी था। और इन्होंने क्या किया, उनको वहां पे अटैच कर देते हैं, लेकिन उनको भी एक क्योंकि जो जिस मानसिकता से वो गुजरे होंगे और उन्होंने वो सुसाइड करना ही ठीक समझा, क्योंकि ये सोचा कि रास्ता भी यही है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो जिस तरह का उनका रहा है पुराना जो मैं
मैं जानता हूँ उनको, जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से जिया है अपनी जिंदगी को, वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। और हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं 25 बच्चे जो हैं उनको भी एक पार्टी बनाया जाए, स्टाफ जो वहाँ मैनेजमेंट है जो उनकी जो साइकोलॉजी के हैं जो भी बच्चे वहाँ पे उनमें लड़के भी वहाँ पे उन्होंने बोला कि लड़कों को भी पार्टी बनाया जाए। लड़कों ने भी बोला कि हमारे पर भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगे हुए हैं और उनको भी पार्टी बनाया जाए। 17 साल से वो व्यक्ति जब HOD प्रमोट नहीं होना था, यानी 15 से 17 साल तक जो हमारे पास जानकारी आई है रह रहे थे, तब तक कोई इस तरह की आपत्ति नहीं हुई, इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के केस नहीं हुआ। इतनी जल्दी क्या हो गया कि थोड़े दिनों में इतने साल रहने के बाद एकदम से इस तरह के केसेस डाले? देखिए, अभी सी बात है कि जब भी कोई टॉप एलीट जब भी हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन से जो भी बंदा जब भी कोई मुख्यधारा का हिस्सा बनने की कोशिश करता है तो ये टूल होते हैं, ये हमेशा टूल का इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह से इनको पीछे हटाया जाए किसी भी तरह से। चाहे वो रोहित विमुला, आपने सुना होगा रोहित विमुला एक स्कॉलर थे PhD के, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे वो अपने अपने जब वहाँ अपने एरिया हैदराबाद से, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा है वहाँ पे, जहाँ वो वहाँ से पढ़कर आया था कॉलेज का, और वहाँ पर वो अपना मतलब बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे पायल तड़वी की बात करते हैं, आदिवासी बिरादरी से थी और अपनी कम्युनिटी में वो पहली लड़की थी जो डॉक्टरी जो डॉक्टर बन रही थी वो, लेकिन उसको इस तरह से ताने किस तरह से बताया गया, जिस तरह ताने मारे गए जाति सूचक शब्दों के, आदिवासी अब तुम इलाज करोगी, वो इतना माहौल बनाया गया, उन्होंने सुसाइड कर दी। तो यही माहौल जो है यही चीज जो है यहाँ पर हुआ। सर क्या कहेंगे, किस ओर हम समाज को लेकर जा रहे हैं? हम कहते हैं देश प्रगति करेगा, सोच बदली है। आपको लगता है कि समाज की आज भी सोच बदली है? अभी हाल ही में बात करें राजस्थान की, बात करें एक दो जगह और भी बच्चियों को, जो स्कूली बच्चों को पानी पीने पर उनकी जान ली गई, उन्हें बुरी तरह से जख्मी किया गया, और अब ये चंद्रशेखर जी की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर, एक साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर होकर, यानी किस तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा कि जिसे उन्होंने यही लगा कि एक सुसाइड ही सॉल्यूशन है इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। देखो, आ जाकर रश्मि जी मैं एक बात कहूंगा, इस देश के अंदर एक तरफ हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनना चाहिए, जब तक आप मानसिकता नहीं बदलेंगे, सभी को साथ लेकर नहीं, सभी वर्गों को साथ लेकर नहीं चले, सभी को न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर, जब तक सभी बराबरी नहीं होगी कैसे गिनेंगे? फिर मानसिकता चेंज करनी होगी। आज आपके सामने राजस्थान का केस, इंद्र मार्गवाल को इसीलिए हत्या करके उसे मटके, छोटा था 8 साल का बच्चा, मटके से पानी पी लिया और उसकी हत्या पीट के उसकी हत्या कर दी। उसके पहले जो जितेंद्र मेघवाल है उसने घोड़ा मतलब ऊंचे रखने को रखे उसे गोली मार दी गई। ये मानसिकता की बात है। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ ये भी मानसिकता की बात है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे और वो नहीं चाहते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि जो हमारे ये एचओडी बने, उसी के लिए सारा ये षड्यंत्र रचा गया। और 6 दिन के अंदर ही, जिसमें 3 दिन छुट्टियां रही और उसका इंक्वायरी करके, जबकि उसे सुना ही नहीं गया, कम से कम से सुना जाना चाहिए था। मेरी उन्हें मौका मिलना चाहिए था। मेरी वाइस चांसलर से भी है, क्यों उन्होंने नहीं सुना? हमारी उनके खिलाफ भी हमारी है कि क्यों उन्होंने नहीं सुना? वो भी सोच में इन्वॉल्व है। और खास करके मैं रजिस्ट्रार की बात करूंगा, रजिस्ट्रार ने कैसे उसका सस्पेंशन ऑर्डर निकाला, अटैचमेंट ऑर्डर उसका कैसे निकाला और क्यों निकाला उसे सुने बगैर? उसका मैं कहता हूं कि CBI इंक्वायरी से पहले जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के रिश्ता उनको सस्पेंड करना चाहिए, और जो इंक्वायरी कमेटी है, जो कैश की इंक्वायरी कमेटी है, उसकी कन्वीनर को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि और CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हमें नहीं पता, हम साफ बात कहते हैं कि जो बच्चियों का केस है, साफ बात अगर उनकी हरासमेंट हुई सामने आएगी बात, CBI इंक्वायरी होगी, बात प्रूफ तो होगा, प्रूफ या तथ्य तो आएंगे ना सामने। बिल्कुल, वो हम कहते हैं कि फैक्ट सामने आने चाहिए, जो भी अक्यूज्ड हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सीधे तौर पर बात है कि वो HOD बनने जा रहे थे, उसको रोकने के लिए ये सारे टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए गए, ताकि वो HOD ना बन सकें, इसके लिए सारे टूल इस्तेमाल किए गए हैं। हम चाहेंगे आने वाले LG साहब से मेरी अपील रहेगी कि इनकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी चीज़ जो सत्य वो सामने आना चाहिए, जो ब्लैक बोर्ड पर लिख के गए हैं, झूठ कहानी झूठी है, वो जब तक CBI इंक्वायरी नहीं होगी वो तथ्य सामने नहीं आ सकते हैं। मेरी आने वाले LG साहब से, मेरी आने वाले होम मिनिस्टर से मेरी अपील रहेगी कि CBI से इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। चलिए, एक महिला इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से, आखिर वो शब्द लिखे थे जो सब सच है कहानी झूठी है,
यानी क्या हो उस पीछे हो, क्योंकि जाते जाते कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी ने एक ऐसा वर्ड, एक लाइन लिख दी जो आज कहीं ना कहीं शक के दायरे में, वो लाइन के पीछे काफी सारे शब्द आते। चलिए इनसे जानते। मैम आपका नाम? जी मैं सुनीता पंगोत्रा हूँ। सावित्री, पहली बार नहीं, काफी बार हमने ये स्टोरीज दिखाई है, हम पर भी काफी प्रेशर आता है, पर हमारा काम है जो सत्य हम वही दिखाएं, जो आम जनता की आवाज है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बराबरी की बात तो करते हैं, पर आए दिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आते हैं तो हम क्या सोचेंगे, हम किस ओर लेकर जा रहे हैं समाज? जी रश्मि जी, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि बराबरी समानता की बात तो देश में नहीं हो रही। अभी मेरे एक साथी ने कहा कि जब कोई एक निम्न वर्ग से कोई बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद एक मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके लिए ये टूल्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी जो सेक्सुअल हरासमेंट के जो केस जो उनके ऊपर लगाया गया था वो फर्स्ट को लगाया जाता है और सेवन्थ को जब उनको सस्पेंड किया जाता है और रजिस्ट्रार्स जो हैं उन्होंने और जो वीसी जो हैं उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, उनको मौका दिया जाना चाहिए था। मैं ये कहूँगी कि ऐसा कौन सा कानून है कि आप इतनी जल्दी आप सस्पेंड कर दें किसी को। और अभी सुनने को भी मिला कि अभी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे केसेस जो हैं सेक्सुअल हरासमेंट के चल रहे हैं और बहुत सारे ऑफिस में चल रहे हैं, आप एक्सपोज करती रहती हैं, तो क्या उनको सस्पेंड किया गया और इतना उनको अंडर प्रेशर किया गया कि उन्होंने कल सुसाइड कर लिया और उनकी जो पत्नी है वो भी छोटी उनकी उम्र है, उनके बच्चे छोटे हैं, तो इतना ज्यादा हरासमेंट कि एक इतना बना हुआ परिवार जो है वो एक दिन में इन्होंने खत्म कर दिया, इतना उनको अंडर प्रेशर किया। और ये हमें पूरा पक्के तौर पे यकीन है कि वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और बहुत स्ट्रांग थे। कोविड पीरियड में उन्होंने बहुत सारे सेशन जो थे वो लोगों के लिए थे, उनको जैसे पुलिस वाले लोग हैं अगर उनको कोई मेंटल प्रेशर था तो उस टाइम भी वो सेशन ले रहे थे, तो वो इतने स्ट्रांग थे वो ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब किसी को एक 24 लड़कियां, जब 25 लड़कियां एक बार साथ आती हैं तो क्या वो 15 साल में वो चुप क्यों रही? मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगी कि आपने चुप्पी क्यों साधी थी? अभी क्या आपको हायर किया गया है कि आप ये वाला केस जो है उनके ऊपर डाल दीजिए सेक्सुअल हरासमेंट का, ताकि उनकी जो प्रमोशन आने वाली है उसको रोका जाए? तो ये एक षड्यंत्र जो है वो सामने आ रहा है और बराबरी की तो कहीं बात नहीं होती। जांच की मांग करती है मैम। मैं बिल्कुल सीबीआई इंक्वायरी की जांच के लिए ऑनरेबल एलजी जो हैं और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं उनसे अपील करती हूं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, ताकि तथ्य जो है वो सामने आए कि पता चल जाएगा कि उनका कसूर क्या था। और इस तरीके से एक जेम जो है हमने यूनिवर्सिटी का वो खो दिया, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। और एससी एसटी ओबीसी के जितने भी संगठन जो हैं पुरजोर निंदा करते हैं और रातों की नींद हमारी उड़ गई है कि हम किस तरीके से संघर्ष करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर हमारे ऊपर इस तरीके से हमें मेंटली हरासमेंट किया जाता है। अगर रोहित वेमला की बात करें आप, वो भी इसी तरीके से उसको प्रोवोक किया गया था कि उसने सुसाइड कर लिया। हमारी एक डॉक्टर जो थी आदिवासी समाज से आती है उसको प्रोवोक किया गया था। तो ये जो चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो उन्होंने सुसाइड किया, हम इसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो है वो करार करते हैं कि ये वो सुसाइड करने वाले नहीं थे। तो हम गुहार लगाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए साफ तौर पर, जो कि डॉक्टर चंद्रशेखर जी के लिए कहा जा रहे हैं। पूरा ओबीसी एससी एसटी समाज जो ये इसकी निंदा कर और साथ ही साथ ये निवेदन कर रहे हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पुलिस प्रशासन के, सीबीआई की जांच हो। अगर वाकई ही वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी 15 से 17 साल तक यहाँ जम्मू में रह रहे थे, अगर वैसा करना होता तो पहले इस तरह की शिकायतें क्यों ना आई? यानी अब उनका प्रमोशन होने वाला था, ये बड़ा सवाल और विडंबना की बात है। और उसी समय 20 से 25 स्टूडेंट जाकर सेक्सुअल हरासमेंट कर उन पर केस करते हैं। यानी वो चीजें भी हमारे पास हैं कि अगर सबूतों के आधार पर अगर कोई कंप्लेन होती है सेक्सुअल हरासमेंट की तो समय दिया जाता है, यानी 7 दिन से कल्प्रिट भी सामने है और कंप्लेनेंट भी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, यानी समय दिया जाता है कि सो समझ लीजिए कहीं गलत तो नहीं। पर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति चंद्रशेखर जी, उन्हें सुनने का मौका क्यों नहीं दिया गया, सुनाने का? मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज जितना भी यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं इन सब का एक ही रोष है कि अगर ये 6 दिन का जो एपिसोड हुआ, 6 दिन के एपिसोड के अंदर 3 दिन जो है वो वर्किंग डे थे और 3 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवा दी,
और सबमिट करवा के और एकदम जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारा सिर्फ एक ही कहना है यहाँ पे आपके माध्यम से कि जो कल्प्रिट था, कल्प्रिट को अपना पक्ष रखने का जो है वो टाइम दिया जाना चाहिए। हम ये इस पक्ष में नहीं है कि उन बच्चियों का या उन बच्चों ने जो कंप्लेंट की है कि वो गलत है, अगर वो सच भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो जिनके ऊपर जो कंप्लेंट की गई है उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने तसल्ली के लिए अपने आप को सर्वाइव कर सके। अल्टीमेटली ये एक हम ये कहेंगे कि उनको हरास किया गया, इतना ज़्यादा हरास किया गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके और यूं ही उनको सस्पेंशन लेटर मिलता है, एक घंटे का जो पीरियड के बीच वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और हम LG साहब से यही दरख्वास्त करें कि इसका CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सच है चाहे वो बच्चियों के फेवर में हो चाहे ये डॉक्टर साहब के फेवर में हो, वो सामने आना चाहिए, बस इतना सा हमारा। साफ तौर कहा कि उनके ऊपर अगर एलिगेशन लगाए गए थे यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट के डॉक्टर चंद्रशेखर के ऊपर, इसकी भी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और सस्पेंशन लेटर के एक घंटे के अंदर ही वो अपने आप को खत्म कर देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो है। पर सवाल ये बड़ा है, यही आज OBC ST SC समाज ये गुहार लगा रहा है कि इस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए ताकि अगर बच्चियों के उन बच्चों ने जिन्होंने कंप्लेन की थी सेक्सुअल हरासमेंट की, अगर उनके हक में जाता तो जाए, अगर डॉक्टर साहब के हक में जाता, पर वो भी तथ्य सामने आने चाहिए कि कितना सच है कितना झूठा, आखिर किस प्रताड़ना का उन्हें शिकार होना पड़ा, किस तरह की उन्हें मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह करना, क्योंकि भरा पूरा परिवार एकदम में उजड़ गया, यानी कि एक सर से ताज था एक महिला के पत्नी का वो उजड़ गया, बच्चों के सर से पिता का सहारा उठ गया। आखिर ये बड़ी ही विडंबना की बात और एक बड़ा जो उन्होंने शब्द लाइन लिखी थी कि सब सच है कहानी झूठी है, अब इसके पीछे में क्या राज है, किस तरह से इसकी इंक्वायरी होगी। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस पर CBI जांच होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर शिक्षा के केंद्रों में इस तरह की चीजें हों तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि जो लगातार अब CBI की जांच मांग रहे कि कितनी जल्दी CBI की जांच होती है, और जांच होने के बाद क्योंकि पुलिस पर हम पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द तथ्यों के सामने लाएंगे कि आखिर जो हैरेसमेंट के केस थे उनके ऊपर वो कितने सच थे और जो इन्होंने अपना आपको यानी सुसाइड किया इसके पीछे का क्या कारण था, किस तरह की वो परेशानी से जूझ रहे थे, हालांकि उनको उनकी पत्नी तक भी नहीं पता था कि इन्हें इस तरह की यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पर इस तरह की कार्रवाई की है। अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छोड़े रिया से हमारे अगले अपडेट के लिए जय हिंद जय भारत।